नीतीश बाबू के 42 विधायक हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए कभी लालटेन पर लटकते हैं, कभी कमल के फूल पर बैठते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री बने। बिहार से बाहर कौन जानता है कि ये कौन है भैया, कौन आप देश में की हालत तो इस राज्य में दलितों के बाद सबसे ज़्यादा खराब है, दलितों के बाद सबसे ज़्यादा गरीब बदहाल पिछड़ा मुसलमान। लेकिन फिर भी अगर मुसलमान लालटेन को वोट देता है तो उसकी और कोई वजह तो दिखती नहीं है। हमारे इतने लोकप्रिय हो गए हैं पूरे देश में। मेरे भाई, अगर खुद के मुंह से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री या जीवन में कुछ भी बनना होता तो फिर किसी दूसरे किसी को प्रयास करने की क्षमता की बात ही कहाँ है। लालू जी के पार्टी का, जिसको आप लोग बड़ा दल मानते हैं, आपके जानकारी के लिए बता दूं, आपको रिफ्रेश आपके दिमाग को कर देता हूं, आरजेडी का लोकसभा में 0 एमपी है, लेकिन वो तय करेंगे कि देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। नीतीश बाबू के 42 विधायक हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए कभी लालटेन पर लटकते हैं, कभी कमल के फूल पर बैठते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो जो इंडिया अलायंस इन लोगों ने मिलकर बनाया है, जिसको लेकर इतना हल्ला गुल्ला मचा, उसमें आपको एक संयोजक तो किसी ने बनाया नहीं और आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। मेरे भाई, ये बिहार में कुछ चाटुकार नेता और कुछ पत्रकार अपने उत्साह में इस तरह की चर्चा कर रहे हैं। बिहार से बाहर कौन जानता है कि ये कौन है भैया, कौन आप देश में सबसे बड़ा दल बीजेपी है और विपक्ष में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है। तो अगर कोई विपक्ष का चेहरा होगा तो कांग्रेस से होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर कांग्रेस से नहीं होता है तो दूसरा सबसे बड़ा दल तृणमूल है, वहां से होना चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा दल डीएमके है, वहां से होना चाहिए। उन सारे दलों को हटाकर कोई नीतीश कुमार को, लालू यादव को क्यों अपना नेता बना लेगा? राजनीतिक क्षमता आप में है नहीं। और अगर प्रशासन के हिसाब से देखें तो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार है। 32 वर्ष से लालू और नीतीश ने जिस राज्य को सबसे गरीब और पिछड़ा बना कर रखा है, पूरे देश के लोग कहेंगे कि आइए और महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु को भी आकर बिहार की तरह पिछड़ा और गरीब बना दीजिए। तो ये तो आपकी समझ और जो इस तरह का दावा करते हैं उनके समझ को दिखाता है। सर, MH खान, दर्पण 24 न्यूज़। सवाल ये है कि आपने कहा कि लालू जी भाजपा से डरा रहे हैं, भाजपा लालू जी से डरा रहे हैं, जबकि लालू जी कहते हैं वो समाजवाद के नेता हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि कौन किससे डरा रहा है। हमने ये कहा कि लोग वोट इस चार आधार पर करते हैं, और आप पत्रकार हैं तो आपको समाज की, राजनीति की हमसे ज़्यादा समझ है। आपको मालूम है कि जो मुस्लिम समाज के लोग लालू जी को वोट देते हैं, वो वोट विकास के लिए देते हैं, अपने बच्चों के भलाई के लिए देते हैं, कि सरकार में भागीदारी के लिए देते हैं, कि भाजपा के डर से देते हैं, तय आप कर लीजिए। क्योंकि विकास तो आपको मिला नहीं है, भागीदारी तो आपको मिली नहीं है, तो बच गया भाजपा का डर, तो आप भाजपा के डर से ही वोट देते हैं। भाई, मुसलमानों की हालत तो इस राज्य में दलितों के बाद सबसे ज़्यादा खराब है, दलितों के बाद सबसे ज़्यादा गरीब बदहाल पिछड़ा मुसलमान है। लेकिन फिर भी अगर मुसलमान लालटेन को वोट देता है तो उसकी और कोई वजह तो दिखती नहीं है। आपके गाँव में सड़क तो बनी नहीं है, सड़क मंत्री तेजस्वी यादव हैं। आपके बच्चों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था आपके माताओं बहनों औरतों के लिए तो हुआ नहीं, स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं। आपके गांवों की जो नाली गली है, पानी है, उसकी व्यवस्था तो हुई नहीं, ग्रामीण कार्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं। शहरों की जो बदहाली है वो उसमें सुधार तो हुआ नहीं, उसके मंत्री तेजस्वी यादव हैं। और फिर भी अगर इन सारे परेशानियों के बावजूद जाकर आप तेजस्वी यादव को, लालटेन को, लालू यादव को वोट देते हैं तो क्या वजह है, ये तो आप ही बता सकते हैं। और हमारी जो समझ है वो यही वजह दिखती है कि आप भाजपा के डर से जाकर लालटेन को वोट देते हैं।